हैं सिक्योरिटी फोर्सेस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सेक्टर G92 और 3 में फ्लैग मार्च के बाद इलाकों को सील कर दिया है। पुलिस, रेंजर्स और दीगर सिक्योरिटी इदारों ने इलाकों को कॉर्डन ऑफ कर लिया है। बाबर अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बाबर, बताइएगा, यहाँ पर कम्प्लीटली सील कर दिया गया है इन इलाकों को? इस वक्त हम मौजूद हैं G9 के इलाके में। इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से G9 के सेक्टर 2 और 3 को मकम्मल तौर पर सील किया गया है। कराची कंपनी मार्केट को भी पुलिस और इंतज़ामिया की जानिब से सील किया गया है। तमाम जो दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस रेंजर्स की बारी नफरी तैनात है। सख्त तरीन लॉकडाउन देखने में आ रहा है। चारों इतराफ से किसी भी शहरी को ना अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है और ना ही बाहर आने की इजाज़त दी जा रही है। खिलाफ वर्जी की सूरत में पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं। मोटरसाइकिल सवारों की जानिब से खिलाफ वर्जी सामने आ रही है, जिस पर पुलिस एहलकार उनको चलान भी कर रहे हैं। थानों में बंद करने का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इन इलाकों को 3 रोज तक मकम्मल कार्डन ऑफ किया जाएगा। किसी शहरी को यहाँ ना अंदर जाने की इजाज़त दी जाएगी और ना ही बाहर आने की इजाज़त होगी। 400 से जायद केसेस सामने आए हैं G9 के इलाके में, जिसके बाद ज़िला इंतज़ामिया ने इस इलाके को सील करने का फैसला किया। अब यहाँ पर रेंडम टेस्ट भी लिए जाएंगे और उसके बाद बाबर, बहुत शुक्रिया।